हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पोलियो वैक्सीन के विषय में। पोलियो वैक्सीन कितने प्रकार की होती हैं, जो सरकार में जो पोलियो वैक्सीन मिलती हैं उनका क्या शेड्यूल रहता है, जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है वो जो पोलियो वैक्सीन का शेड्यूल देती है उसमें क्या फ़र्क है, जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है आज की तारीख में उसका क्या स्टेटस है, और ये जो इंजेक्टेबल पोलियो है ये कहाँ तक सेफ है, और जो ओरल पोलियो है ये कहाँ तक सेफ है, तो इन विभिन्न पॉइंट्स पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपके YouTube चैनल जॉयफुल पेरेंटिंग विद डॉक्टर तिमिर में आप सभी यंग पेरेंट्स का स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल यही है कि कितने किस्म के पोलियो वैक्सीन आते हैं। तो दो किस्म के आते हैं, आप सबको पता है ओरल पोलियो के बारे में, और दूसरी बात की पोलियो का इंजेक्शन भी आता है। अगला सवाल यही होता है कि जो सरकारी जो टीकाकरण कार्यक्रम है उसमें पोलियो का क्या स्टेटस है, वो उसमें कैसे देते हैं। तो सरकारी कार्यक्रम में दोनों प्रकार के वैक्सीन दिए जाते हैं। ओरल पोलियो जो है जन्म पे दिया जाता है, 6 हफ्ते पे दिया जाता है, 10 पे 14 पे दिया जाता है, और एक बूस्टर 15 से 18 महीने के बीच में भी दिया जाता है। फाइनली एक बूस्टर आपका 15 महीने की उम्र, सॉरी 4.5 साल की एज पे एक बूस्टर भी दिया जाता है, यानी कि सेकेंड बूस्टर। और जो इंजेक्टेबल पोलियो है, यानी पोलियो के इंजेक्शन के दो डोज दिए जाते हैं, एक 6 हफ्ते पे दिया जाता है और दूसरा आपका 14 हफ्ते पे दिया जाता है। जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है उसका जो शेड्यूल है वो उसमें क्या फ़र्क है सरकारी शेड्यूल के मुकाबले, तो इसमें ओरल पोलियो जो है सिर्फ एक ही बार दिया जाता है, वो है जन्म के समय पे, इसके बाद नहीं दिया जाता। इसके बाद हर विजिट पे आपको इंजेक्शन, पोलियो का इंजेक्शन लेना होता है, यानी 6 हफ्ते 10 हफ्ते 14 हफ्ते और 15 से 18 महीने पर, और फाइनली जो सेकेंड बूस्टर होता है 4 से 6 साल के बीच में, उस वक्त भी आपको पोलियो का इंजेक्शन ही आपको सजेस्ट किया जाता है। कारण इसका यह है कि लार्जली दुनिया जो है वो ओरल पोलियो से इंजेक्टेबल पोलियो की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। अभी हम लोग अभी पूरे तौर पर शिफ्ट नहीं हुए हैं, इसीलिए ये दोनों प्रोग्राम्स में ये फ़र्क है, जो सरकारी जो टीकाकरण कार्यक्रम है और जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स द्वारा रिकमेंडेड जो टीकाकरण का जो शेड्यूल है, उन दोनों में इसलिए थोड़ा सा फर्क है। तो दोस्तों, आज की तारीख में पल्स पोलियो प्रोग्राम का क्या स्टेटस है। तो दोस्तों, ये एक बहुत कामयाब प्रोग्राम है जिसने कि पोलियो को उन्मूलन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो बेशक आप कोई भी आप शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, सरकारी से आप टीका लगवा रहे हैं या प्राइवेट में टीका लगा रहे हो, लेकिन आपको पल्स पोलियो में जरूर भाग लेना चाहिए। अगर वो आपके घर पे आते हैं, आपके बच्चा है तो उसे पोलियो की ड्रॉप्स पिलाएं, तो बिल्कुल पिलाइए, कोई उसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, ज़रूर पिलाइए, आपको ज़रूर हिस्सा लेना है पल्स पोलियो प्रोग्राम। जो इंजेक्टेबल पोलियो है दोस्तों, वो कहाँ तक सेफ है, ये कई पेरेंट्स का ये सवाल होता है। तो ये बेहद सेफ वैक्सीन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मामूली से रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे वहाँ पे थोड़ा गांठ बन जाना, हल्का बुखार आना, बट नथिंग सीरियस। जो रिएक्शन तो बेहद मामूली होते हैं, उनको हमें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। जो ओरल पोलियो ड्रॉप्स हैं उसमें भी क्या कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो अगेन इसका आंसर ये कि ये बेहद सेफ वैक्सीन है, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। बहुत बहुत रेयर केसेस में एक VAPP करके एक चीज़ जो कही जाती है, दैट इज वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियोवायरिटिस, यानी कि वैक्सीन के चलते भी पोलियो होने का और पैरालिसिस होने का एक बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी रहता है। ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए दी जाएगी, ये नंबर इतना नहीं होता है कि जैसे कि हम सिग्निफिकेंट कह सकें। तो दोस्तों, आज हमें जाना पोलियो वैक्सीन के विषय में कि इसके कितने टाइप होते हैं, इसके क्या शेड्यूल होते हैं, पल्स पोलियो का क्या स्टेटस है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसके अगले पार्ट में हम बात करेंगे, इस वैक्सीन की सीरीज के अगले पार्ट में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के विषय में। वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।